स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम मिस्टेक्स करते क्यों हैं, रीजन क्या है मिस्टेक करने का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या कोई थंब रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट ट्रिक जिसे पूरी दुनिया में यूज किया जाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स आज के वीडियो को एंड तक देखेंगे और रूल्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम 100% दूर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती क्यों हैं, रीजंस क्या हैं। रीजन नंबर वन, 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। इंग्लिश में आप जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। जैसे हिंदी में क्या होता है, मान लीजिए क है तो क का क साउंड आएगा, ख का ख आएगा, ग का ग आएगा, लेकिन इंग्लिश में एक लेटर के, क्योंकि 26 लेटर्स के अगर 44 साउंड्स हैं, 26 से ज्यादा हैं, इसका मतलब कई ऐसे लेटर्स हैं जिनके एक से ज्यादा साउंड्स हैं। एग्जांपल देखिए, यहां पर नेम, यहां पर ए का साउंड है, ए का साउंड, ने ने, ए ए का साउंड आया। यहां पर आफ्टर, आ आ का साउंड आ रहा है। हॉल, यहां पर ओ का साउंड है, ओ हॉल। मैन, यहां पर ए का साउंड है, ए मैन। जैसे यहां पर था नेम, ए का साउंड, ए, यहां पर क्या है, ए। रेयर, यहां पर ए का साउंड आ रहा है, ए अ रे अ रेयर। यहां पर अलर्ट, अ का साउंड आ रहा है। तो देखिए एक लेटर के कितने अलग अलग साउंड्स हैं, ए आ ओ ए ए अ। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखते हैं, कोई आपसे कहता है कि काओ लिखिए, आप जानते हैं कि काओ लिखा जाता है सी ओ डब्ल्यू, यहां पर ओ डब्ल्यू यानी आओ का साउंड है। ठीक उसी तरह से जैसे यहां पर वाओ, ये भी आओ का साउंड है। लेकिन ये कहना कि इन दोनों लेटर से जब ये कॉम्बिनेशन बना तो ये आओ का ही साउंड निकालेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है। यहां पर देखिए ये राओ नहीं है, ये रो है, रो यानी पंक्ति कतार, ये बो है धनुष, तो यहां पर ओ का साउंड आ रहा है जबकि यहां पर आओ का साउंड आ रहा है। अब आप अगर ये सोचें कि ओ डब्ल्यू का मतलब है ओ, तो किसी और का साउंड ओ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। टो, यहां पर ओ ई का साउंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का साउंड क्या आ रहा है, ओ का साउंड। बिल्कुल वैसे ही जैसे सो, अब देखिए यहां पर ओ के साथ ई लगा है तो साउंड आ रहा है ओ, यहां पर केवल ओ है तो भी साउंड आ रहा है ओ, यहां पर ओ के साथ डब्ल्यू है तो भी साउंड आ रहा है ओ। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साउंड बिल्कुल सेम है। अब आप सोचेंगे कि ओ है तो ओ ही साउंड आएगा, ऐसा भी नहीं है। यहां पर ओ नहीं बल्कि टू ऊ का साउंड आ रहा है, यहां पर डबल ओ का यूज हुआ तो बड़ी ऊ का साउंड आ रहा है, लेकिन यहां पर भी तो सेम ही साउंड है टू, ये भी है टू, डब्ल्यू ओ का साउंड। अब अगर आप ये सोचें कि जब डबल ओ हो जाता है तो ऊ का साउंड आएगा, बड़ी ऊ का, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहां पर डबल ओ होने के बावजूद इसका साउंड बड़ी ऊ का नहीं है। इसे आप कहते हैं टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, टुक में तो छोटी ऊ का साउंड है। 26 लेटर्स हैं केवल, लेकिन साउंड्स कितने, 44, और इसीलिए आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं लिखने में। दूसरा रीजन है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। आप ये देखते हैं कि हिंदी में, अगर हम हिंदी की बात करें तो जैसा वहां पर लेटर आएगा उसे वैसे ही पढ़ा जाएगा, साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स होते हैं। आप इतने सारे वर्ड्स देखते हैं अपनी लाइफ में जिनमें एक या दो लेटर्स आपको साइलेंट अक्षर मिल जाते हैं। अब यहां पर देखिए आवर, यहां पर एच साइलेंट है, पाम यानी हथेली, यहां पर एल साइलेंट है, लिसन यहां पर टी साइलेंट है, डाउट यहां पर बी साइलेंट है, कोम यहां पर बी साइलेंट है, और ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसकी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। अब मैं आपके सामने रखता हूं वो थंब रूल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थंब रूल्स हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर करने के लिए। 8 थंब रूल्स, 8 थंब रूल्स में से पहला रूल, इसे डिस्कस करने के लिए कुछ वर्ड्स आपके सामने,
अब आप पेशेंस के साथ बड़े ध्यान से इन रूल्स को देखते जाइए। इन सभी वर्ड्स के साथ अगर मैं आईएनजी का यूज करूं, ये सभी वर्ब्स हैं, इनके सभी के साथ में अगर आईएनजी का यूज करता हूं, यूज से बना यूजिंग, शाइन से शाइनिंग, बाइट से बाइटिंग, मूव से मूविंग, गिव से गिविंग, टेक से टेकिंग, कम से कमिंग, आप ये नोट करेंगे कि जितने भी वर्ड्स यहां पर हैं, ये सभी क्या हैं? वर्ब्स हैं। वर्ब्स यानी क्रियाएं हैं। इन सभी क्रियाओं में अगर एक चीज आप कॉमन देखें, सभी के एंड में ई है, तो ऐसे सभी वर्ब्स जिनके एंड में एक ई होता है, सिंगल ई, जब उनकी आईएनजी फॉर्म को यूज किया जाता है तो ये ई रिमूव हो जाता है। ये देखिए, ई यहां पर नहीं है, ई यहां पर नहीं है, सीधा आप लिखते हैं आईएनजी, यानी ई को रिमूव कर देते हैं। तो ये है पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ई हो तो हमेशा ई को रिमूव करेंगे, सिंगल ई होगा तो रिमूव करेंगे, डबल ई होगा तो रिमूव नहीं करेंगे, ये हमारा दूसरा रूल। अगर किसी भी वर्ब के एंड में डबल ई होगा, जैसे यहां पर सिंगल ई था, अगर डबल ई होगा और उसकी आईएनजी फॉर्म का आप यूज करना चाहते हैं, तो डबल ई में से एक भी ई वहां पर रिमूव नहीं होगा। बस ये है रूल नंबर टू, बहुत ही सिंपल है। अग्री से बना अग्रीइंग, फ्ली से बना फ्लीइंग, सी से बना सीइंग। तो ये थे दो रूल्स। अब बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। अगर किसी वर्ब के एंड में, किसी वर्ब के एंड में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, आप जानते हैं वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे तुरंत पहले एक वॉवल हो, तुरंत पहले एक वॉवल हो, ऐसे में उसकी आईएनजी फॉर्म का जब आप यूज करेंगे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। डबल यानी यहां पर सिंगल टी है, यहां पर डबल टी आ जाएगा। देखिए, गेट से क्या बन गया, गेटिंग, यहां पर डबल टी आ गया ना, इसी तरह डबल टी, डबल जी, डबल एन, डबल टी, अभी आप देखते जाइए, आप देख रहे हैं यहां पर टी डबल हो गया, जी डबल हो गया, एन डबल हो गया, टी डबल हो गया। तो सिंपल सा रूल, लेकिन इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, अब इन तीन वर्ड्स में आप देखिए, तीनों के एंड में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवल है, लेकिन अगर मैं इसका आईएनजी फॉर्म यूज करूं तो आप यहां पर डबल टी का यूज नहीं करते हैं, यहां पर डबल नहीं हुआ, क्रेडिटिंग, इसकी स्पेलिंग होती है क्रेडिटिंग, एडिटिंग स्पेलिंग होती है एडिटिंग। ऐसा क्यों? ये तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं। यहां पर हम ये भी नहीं कह सकते कि आई टी आई टी आई टी इसलिए डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी देखिए आई टी है, लेकिन फिर भी ये डबल हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं और ये स्टैंडर्ड थंब रूल है। अब बात करते हैं हमारे रूल नंबर फोर की। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो, एल टी टी पी एन एल, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहां पर था, लेकिन उस कॉन्सोनेंट से पहले, तुरंत पहले दो वॉवल्स हो एक साथ, देखिए दो वॉवल्स, ऐसे में जब उसके आईएनजी फॉर्म का आप यूज करते हैं तो डबलिंग नहीं होती, यानी कि डबल नहीं होता है कॉन्सोनेंट। ये देखिए डबल नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक इसी तरह से वेट, वेट से वेटिंग, मीट से मीटिंग, वीप से वीपिंग, रेन से रेनिंग, स्कूल से स्कूलिंग, इन सभी वर्ब्स के केस में आप देख रहे हैं कहीं पे भी कॉन्सोनेंट की डबलिंग नहीं हो रही है, जैसे कि यहां पर हो रही थी। तो ये है रूल नंबर फोर। और अब बात करते हैं रूल नंबर फाइव की। ऐसी कोई भी वर्ब जिसके एंड में आई ई हो, ऐसी वर्ब के साथ जब आप आई एन जी का यूज करते हैं, आई ई चेंज हो जाता है वाई में, आपने अक्सर ये देखा होगा, हो सकता है इस समय आप नोटिस भी कर रहे हैं इस चीज को। लाए, लाए मतलब झूठ बोलना, डाए मतलब मरना, झूठ बोलना, देखिए लाइंग हो गया, टाई मतलब बांधना, टाइंग, वाई, वाई मतलब होता है कंपटीशन करना, किसी से झगड़ा करना, वाई से बनता है वाइंग,
डाइंग लाइंग टाइंग वाइंग, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर भी आई ई आएगा वर्ब के एंड में और आई एन जी यूज करेंगे, आई एन जी फॉर्म का यूज करेंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, वाई में। लेकिन रूल नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी वर्ब के एंड में वाई होगा तो वो किसी में भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर इन वर्ब्स की एंडिंग वाई से हो रही है, ऐसे में कोई चेंज नहीं होगा, वाई कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, अभी आप देखते जाइए। इसका अगला रूल इंटरेस्टिंग है, ट्राई से बना ट्राइंग, क्राई से बना क्राइंग। तो आपने देखा इन दो रूल्स में क्या रिलेशन है, अगर आई ई से एंडिंग हो रही है वर्ब की तो वाई में चेंज हो रहा है, लेकिन वाई है तो केवल वाई ही रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। रूल नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उससे रिलेटेड इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि वाई यहां पर एंड में वाई है, हालांकि यहां पर मैं आई एन जी फॉर्म की बात कर रहा था, यहां पर मैं आई एन जी फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे, वाई से पहले ए, ये एक वॉवल है, वाई से पहले यू, ये भी एक वॉवल है, वाई से पहले ई, ये भी एक वॉवल है, वाई से पहले एल, ये कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है। जब भी वाई से पहले एक वॉवल आता है तब क्या बिहेवियर होता है, अगर उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में या उस वर्ब को एस ई एस फॉर्म में आप चेंज करते हैं, तो एस ई एस फॉर्म में आप चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लेस। आपने अक्सर देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, प्लेस, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप लिखते हैं प्ले, एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। यहां पर आप लिखते हैं प्लेस। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेट, सिंपल, आप में से अधिकतर स्टूडेंट से जानते होंगे। बाय, एस ई एस फॉर्म जब लगाने की बात आती है तो बाय के साथ भी आप एस लगा देते हैं, ओबे के साथ एस लगा देते हैं, अलाय, अलाय का मतलब होता है मित्र या सहयोगी, जैसे हम कहते हैं ना अलाय कंट्रीज, मित्र राष्ट्र, अलाय। यहां पर आप y की जगह पर आप आई ई एस लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो स्टडीज कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, y की जगह पे आप क्या कर देते हैं, आई ई एस, जबकि इन तीनों में आपने सिर्फ y के बाद s लिखा, y को आपने चेंज नहीं किया। ये आप थोड़ा सा नोट करिए, ट्राई को आप कैसे लिखते हैं, ट्राइज, ही ट्राइज, वो प्रयास करता है, क्राई, क्राई का क्या बनता है, क्राइस। यहां पर केवल एस 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 और यहां पर आई ई एस आई ई एस आई ई एस आई एस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी वाई से पहले कोई वॉवल आएगा तो आप सिंपल एस का यूज करेंगे, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, कोई भी कॉन्सोनेंट, तो आप वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे, अगर बात एस ई एस फॉर्म की हो रही हो तो। अब आप देखिए यहां पर आपके सामने थर्ड फॉर्म है, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओबेड। लेकिन ऐसे केसेस में, इन चार केसेस में जहां पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए डबल एल आई ई डी, जैसे यहां आई ई एस, यहां पर आई ई डी, स्टडीड, आई ई डी आई ई डी आई ई डी आई ई डी। तो एक तरह से हम ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस केस में क्या स्पेलिंग होनी चाहिए। हालांकि एक चीज मैं जरूर यहां पर थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, आपने यहां देखा होगा प्ले से बना प्लेड ईडी फॉर्म, ओबे से बना ओबेड ईडी फॉर्म, लेकिन बाय से बाइड नहीं बना, ईडी फॉर्म नहीं लगा, बल्कि एक डिफरेंट पैटर्न का ही फॉर्म बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्ले और ओबे ये दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं और बाय एक इरेगुलर वर्ब है, जिसके बारे में वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिलहाल वो हमारा फोकस नहीं है। रूल नंबर 7 की हमने बात की, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। फॉर लॉन्ग ई साउंड, लंबे ई की ध्वनि के लिए, अगर किसी वर्ड में लंबे ई की ध्वनि आई, जैसे ई, इस तरह से लंबे ई की ध्वनि आई, तो आई आता है ई से पहले, आई ई का जो कॉम्बिनेशन है ना, पहले आई आएगा उसके बाद ही ई आएगा, आई बिफोर ई, आई ई से पहले, एक्सेप्ट आफ्टर सी। अब एक कंडीशन लिखिए, एक्सेप्शनल केस भी लिखा हुआ है, छोड़कर, किसे छोड़कर, सी के बाद अगर आए तो उसे छोड़कर, अगर सी के बाद आएगा बड़े ई की ध्वनि,
बड़े ई का साउंड अगर सी के बाद आएगा, सी के बाद, ऐसे में ही उल्टा हो जाएगा, ई पहले आई बाद में। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, डबल ई साउंड के लिए, बड़े ई के साउंड के लिए या तो वर्ड में होगा आई ई और या फिर होगा सी ई आई, यानी अगर सी आया ना तो हमेशा ई पहले आई बाद में। अदरवाइज अगर और कुछ आया, कोई और लेटर आया सी के अलावा, कोई और लेटर आया तो पहले आई उसके बाद ई। इस रूल को आपको देखो प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। अभी आपके सामने देखिए जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में आप एक खासियत पाएंगे, आई के बाद ई है, ये आपको दिख रहा है, आई के बाद है ई, यानी आई बिफोर ई, ई से पहले क्या है, आई है, ई से पहले आई, ई से पहले आई। इन सभी वर्ड्स में आई ई की जो साउंड है वो लंबे ई का साउंड है, बड़े ई का साउंड है, ई, पीस, फील्ड, बिलीव, चीफ, ग्रीफ, अचीव, रिट्रीव, रिलीव, डीजल, डी, बड़े ई का साउंड, ब्रीफ, सब में बड़े ई का साउंड है। और किसी में भी आप देखिए हमेशा आई ई जो है ना ये पी के बाद आ रहा है, एफ के बाद आ रहा है, एल के बाद आ रहा है, एच के बाद आ रहा है, आर के बाद आ रहा है, एच के बाद आ रहा है, आर के बाद, एल के बाद, डी के बाद और आर के बाद, कहीं पे भी सी के बाद नहीं है। अगर सी के बाद आता लंबे ई का साउंड, ऐसे केस में आप जानते हैं कि सी के तुरंत बाद पहले ई होता उसके बाद आई होता। जैसे कुछ वर्ड्स आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं मैं, सीलिंग, रिसीव, परसीव, डिसीट, रिसीट, इन सब में आप देखते हैं सी के बाद ई आई लिखा है और ई आई का साउंड ऐसे सभी वर्ड्स में लॉन्ग ई का साउंड है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको यह पता चलता है कि आई आई पहले आता है ई से जब लंबे ई का साउंड हो किसी वर्ड में, लेकिन अगर उस वर्ड में आई ई का कॉम्बिनेशन सी के बाद आया तो सी के बाद ई पहले और आई उसके बाद आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा हर वर्ड में सी के बाद पहले ई आएगा फिर ई आई आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यह तो सिर्फ उस केस में बताया जहां पर ई आई का साउंड बड़े ई का साउंड आए। इसके अलावा कई वर्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल है एफिशिएंसी, साइंटिफिक, डेफिशिएंसी, या फिर जैसे प्रोफिशिएंट। इन सभी वर्ड्स में आप ये नोट करेंगे कि यहां पर सी के बाद आई ई, सी के बाद आई ई, सी के बाद आई ई, सी के बाद आई ई। तो अगर कोई आपसे ये कह दे कि सी के बाद तो हमेशा ई आई आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ई आई तो तब आएगा जब वहां पर इसका जो साउंड है वो बड़े ई का साउंड हो। अगर यहां पर हम देखें एफिशिएंसी, ईयर, ईयर का साउंड, यहां पर कोई बड़े ई का साउंड नहीं आ रहा है, ईयर का साउंड आ रहा है, तो ये डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर। यहां पर साइंटिफिक, साइन, आ ई, आ ई, आई, आई का साउंड आ रहा है यहां पर। डेफिशिएंसी, ईयर का साउंड आ रहा है। प्रोफिशिएंट, ईयर का साउंड आ रहा है। तो ये अलग केसेस हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे 8 थंब रूल्स जिनको हमने डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूं उस ट्रिक की, जिस ट्रिक की मदद से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम को परमानेंटली दूर कर देंगे। डेली इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस, रोज इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मिनिमम 15 to 20 minutes। आपको न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल पकड़ लेना है, 15 से 20 मिनट तक रोज आपको लिखना है, सिर्फ लिखते जाना है। ये नहीं सोचना है कि उस वर्ड का, कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपके सामने आता है उसका क्या मीनिंग है, मीनिंग को आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ उसे लिखते जाना है। और ये काम आपको कम से कम 6 महीने तक करना है। इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप रट नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप उन्हें याद करें और वर्ड्स को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आपने याद कर लिया और वर्ड की स्पेलिंग आपको क्लियर हो गई। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक स्पेलिंग आपको याद नहीं होने वाली है। अगर याद हो भी जाएगी थोड़ी देर के लिए तो आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में उसे भूल जाएंगे, क्योंकि आप उसे बार बार लिखते नहीं है। जब आप कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे, एक ही वर्ड बार बार आपके सामने आता जाएगा,
तो वो वर्ड 100% आपको याद हो जाएगा, आप उसकी स्पेलिंग में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। और यही एक ट्रिक होती है जिस तरह से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है। स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड और भी कई सारे रूल्स हैं जिनके वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा, लेकिन इंग्लिश राइटिंग की इस प्रैक्टिस को आज से ही करना शुरू करिए। 15 to 20 minutes रोज अपने इसको दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।